तो पंजाब में सियासत लगातार सरगर्म हो रही है। एक और विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो वहीं आज विपक्ष ने अपने तेवर दिखाते हुए वॉकआउट कर दिया है। तो उससे पहले अमरिंदर सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई है, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो है सियासत पंजाब में गर्मा रही है, और ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगतार, आज दो बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है पंजाब की सियासत से। एक तो अमरिंदर कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है, कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। पंजाब विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया। बिल्कुल, अगर मोनिका आज पंजाब विधानसभा सत्र की बात की जाए तो कह सकते हैं कि आज जो आम आदमी पार्टी का जो रवैया था, वो लगता था कि जैसे उम्मीद की जा रही थी कि उनका रवैया वही होगा कि छोर डालो और सियासत करो, और शायद इसी चक्कर में उनकी 100 से सीटें जो सपना लिया था वो आके 20 पे अटक गया। लेकिन अभी तक जब भी स्पीकर का चुनाव होता तो कभी पंजाब के इतिहास में ऐसे नहीं हुआ कि चुनाव वाले दिन शोर शराबा डालो और सियासत करो और उसके बाद वॉकआउट कर जाओ सदन का। और तभी क्योंकि वहाँ अपोजिशन पार्टी में अकाली दल भी बैठा था, और अकाली दल को पता है कि विधानसभा की रवायत क्या, और कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्योंकि सिर्फ एक एमएलए को छोड़ के बाकी सब भी कह सकते हैं कि नए आम आदमी पार्टी में, हालांकि जो विधायक दल के नेता HS फूल का वो काफ़ी समय बैठे रहे, लेकिन उनके कुछ दो तीन साथी उनको उठाते रहे जबरी, और फिर आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन ये पंजाब के इतिहास में पहली दफ़ा होगा कि जब चुनाव के समय में स्पीकर का पहले चुनाव होता, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती, और इसलिए पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो कमेटी होती है जिसमें सभी पार्टियों के उसमें विधायक होते हैं, और इस बार भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी थी उसमें अकाली दल के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने पहले समा फिक्स किया था, और उसके बाद जो स्पीकर का चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता था कि आज अगर शोर शराबा करो तो ठीक रहेगा, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट करना सही समझा। लेकिन उसके बाद जितने भी वहाँ सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोले, उन्होंने यही बोला और इल्ज़ाम लगाया कि शोर मचाने से डालने से सरकारें नहीं बनती, लोगों को काम दिखाना पड़ता, और लोगों को पंजाब के लोगों को पता था कि अगर हम शोर और मचाने वाली शोर डालने वाली आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेके आए तो फिर सरकार कैसे चलेगी, और लोग जानते थे कि शोर मचाने से सरकार नहीं बनती, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब की जनता ने नेतृत्व चुना। और लेकिन आज कह सकते कि शोर शराबे के बीच जो आनंदपुर साहब से विधायक है राणा KP सिंह, उनको स्पीकर चुना गया। हालांकि आज ये भी एक पहले प्रोसीजर यही था कि डिप्टी स्पीकर का भी आज चुनाव होगा, लेकिन वो कह सकते कि अगले हुक्मों तक वो डेफर कर दिया गया, वो अभी कांग्रेस हाईकमान सोचेगी कि किसको डिप्टी स्पीकर बना। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो राणा KP जी जो आनंदपुर साहब से विधायक हैं पार्टी के, वो सर्वसम्मति से विधायक चुनेंगे, जिनका उनका स्वागत कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल और चंद्र सिंह चन्नी और अकाली दल की तरफ से अजीत सिंह कुहाड़ ने किया, और उन्होंने सभी ने उम्मीद जताई कि सदन अच्छी तरह चलेगा और निष्पक्ष भूमिका रहेगी विधानसभा के स्पीकर की। और अगर हम आज कैबिनेट की बात करें तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और सबसे बड़ा ये है कि एक तो जो एडवोकेट जनरल उनकी भलाई के लिए उनकी टर्म एंड कंडीशन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, और सुप्रीम कोर्ट की हदायतों के मुताबिक ही सभी राज्यों में एक एडवोकेट जनरल का बिल पेश किया जा रहा है, तो पंजाब में भी कर दिया गया कि जो एडवोकेट जनरल बनेंगे उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, कैसे चलेगा, और एडवोकेट जनरल में कितने जो सीनियर वकील है वो कितने उनकी कितनी गिनती होगी, और साथ के साथ जो पंजाब स्टेट कारपोरेशन पावर कारपोरेशन है उनके जो चेयरमैन थे KD चौधरी, वो कह सकते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही खास थे, और लगातार रिटायरमेंट के बाद उनको 3-4 दफ़ा अकाली दल ने उनको एक्सटेंशन दी थी एज ए चेयरमैन के तौर पर, तो उनको हटा दिया गया, और जब तक नया चेयरमैन कांग्रेस पार्टी नहीं लगाती, कांग्रेस सरकार नहीं लगाती, तो तब तक जो पावर
के सेक्रेटरी या वो चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कैबिनेट मीटिंग का मुद्दा था वो था कि जो वोट ऑन काउंट पेश करना उसकी परवानगी देना कैबिनेट के लिए जरूरी था, तो वो कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है वोट ऑन काउंट को। और साथ के साथ जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी वो भी कि आपका खर्चा कितना होगा, एस्टिमेटेड जो ग्रांट थी वो भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। तो ये कह सकते हैं आज के ये दो बड़े पहलू थे, एक दो बड़े फैसले पंजाब कैबिनेट की दूसरी बैठक में और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जगतार, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।